फिल्म के साथ जुड़ना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरा डेब्यू है यहाँ पंजाब में और इतनी खास फिल्म के साथ है, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स दैट स्पेशल। और ये जितना भी आप एक्शन देख रहे हो, जितना भी केओस है, ये सारा समायरा इज द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दैट। जैसे अमीक का द फ्लेवर दैट अमीक ब्रिंग्स टू द फिल्म, जूनियर ब्रिंग्स टू द फिल्म, वो है एक्शन, वो है क्रिस्प सीक्वेंसेस, इंटेंसिटी उस तरीके की। समायरा आपको चीज़ें फील करवाएगी, समायरा आपको अपने साथ रुलवाएगी, सो दैट इज़ व्हाट समायरा ब्रिंग्स एंड आई बॉट टू द फिल्म। मुझे करीना कपूर बनना था, वो तो जब बड़ी हुई तो आई रियलाइज कि एक्टिंग इज अ करियर। और आई थिंक जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, सब द वर्ल्ड इज अ ब्लर, इट्स जस्ट द कैमरा एंड मी, एंड एक्टिंग जेन्युइनली मेरा सबसे बड़ा पैशन है और हमेशा रहेगा। छोटी मुंह बड़ी बात, बट आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन अ प्लेस वेयर लोग, पता है एक स्टार होता है और एक एक्टर होता है, मैं चाहती हूँ लोग मुझे एक आर्टिस्ट की तरह याद रखें, लोग ये कहें कि एक अच्छी एक्टर है, बिकॉज सुंदर तो हर कोई है इंडस्ट्री में, बट आई वॉन्ट पीपल टू लुक एट मी एज अ गुड एक्टर, मेरी परफॉर्मेंस, सो दैट इज़ माई मिशन इन लाइफ। मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग रोल्स करती रहूँ। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जसविंदर कौर, तो तुसी देख रहे हो सिने पंजाबी। इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने सृष्टि जैन, जो एक बेहद खास पंजाबी फिल्म दे विच अहम किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे। 18 अगस्त नूं फिल्म रिलीज़ होवेगी जूनियर। जूनियर फिल्म का ट्रेलर देखने तो बाद तुसी ये सोच सकते हो कि एक परसन है जो किसी मिशन ते चलिया, और साड़ी सब दी जिंदगी दा कोई ना कोई मिशन होना बहुत जरूरी है। सो सृष्टि जैन इस फिल्म दे विच जो किरदार निभा वाले ने, उसके बारे उन्होंने गलबात कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सृष्टि, वेलकम टू पंजाब। जूनियर फिल्म दे विच थोड़ा एक अजिहा करैक्टर है जो बयान करता है कि जो किसी परसन नू अपनी लाइफ दे विच ग्रो अप करन ली बहुत मोटिवेट करता है। सो थोड़ा इस फिल्म दे नाल जुड़ना और वो करैक्टर थोड़े लिए स्पेशल क्यों है? फिल्म के साथ जुड़ना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरा डेब्यू है यहाँ पंजाब में और इतनी खास फिल्म के साथ है, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स दैट स्पेशल। और मेरे कैरेक्टर का नाम समायरा है, और इन्होंने जैसे पहले भी बोला कि समायरा एक जूनियर की एक बेरंग वन ट्रैक जिंदगी में रंग भर देती है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि प्यार सबसे ताकतवर होता है। और ये जितना भी आप एक्शन देख रहे हो, जितना भी केओस है, ये सारा समायरा इज़ द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दैट। और बेसिकली जैसे अमीक का द फ्लेवर दैट अमीक ब्रिंग्स टू द फिल्म, जूनियर ब्रिंग्स टू द फिल्म, वो है एक्शन, वो है क्रिस्प सीक्वेंसेस, इंटेंसिटी उस तरीके की। समायरा आपको चीज़ें फील करवाएगी, समायरा आपको अपने साथ रुलवाएगी, सो दैट इज़ व्हाट समायरा ब्रिंग्स एंड आई हैव बॉट टू द फिल्म। अमीक ने एक बड़ी सोहनी गल कही कि जदों तुसी मतलब टेस्ट दे रहे सी इस फिल्म लिए और तुसी बड़ी जल्दी अपने करैक्टर दे विच आ गए। सो सृष्टि की हमेशा तो एक्टिंग करना चाहते सी, जो इन्ने ज़्यादा पैशनेट है कि उन्होंने बस रोल मिले और फटाफट वो करना चाहते हैं। आई थिंक मैं 5 साल की थी जब मैंने करीना कपूर को TV पे डांस करते हुए देखा था, गाना मैंने कोई जादू नहीं किया तो मेरे पीछे भी एंड आई फेल इन लव। और मुझे करीना, उस उम्र में पता नहीं था एक्टिंग एक करियर है, मुझे करीना कपूर बनना था, वो तो जब बड़ी हुई तो आई रियलाइज कि एक्टिंग इज़ अ करियर। और आई थिंक जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, सब द वर्ल्ड इज़ अ ब्लर, इट्स जस्ट द कैमरा एंड मी, एंड एक्टिंग जेन्युइनली मेरा सबसे बड़ा पैशन है और हमेशा रहेगा। और जो उन्होंने बोला, यू नो दिस इज़ वेर आई थैंक TV, क्योंकि TV आपको एक कलाकार को ना मांझ देता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आप रोज़ दिन के कम से कम 12-13 सीन्स कर रहे हो, अलग अलग इमोशंस के कर रहे हो, तो यू हैव टू बी क्विक इन पिकिंग अप इमोशंस इन योर कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, बिकॉज जब ज्वाइन भी करती हूँ डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सब कुछ सेट हो चुका है, तो इसके लिए तो आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल TV के लिए, बिकॉज दैट इज़ द मीडियम दैट
मेड मी द एक्टर दैट आई एम टुडे. बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप चलना थोड़े लिए बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल होंगे क्योंकि थोड़े को टीवी का एक एक्सपीरियंस है जो थोड़ा किसी भी करैक्टर लिए हमेशा रेडी रखता है. मैं क्या कि इस फिल्म के एक परसन का मिशन है, जूनियर का कोई मिशन है, साड़ी जिंदगी का कोई मिशन होना बहुत जरूरी है, वरना रेगूलर प्रॉब्लम्स हमेशा जिंदगी चलदिया रहा. सो सृष्टि का किड़ा अजिहा मिशन है जो वो पूरा करना चाहते हैं? इमीजिएट मिशन तो ये है कि हम इस फिल्म को जो हम ये जर्नी ख़त्म करें और जूनियर को, मैं तो अमी को बार बार बोलती हूँ मेरे का जूनियर का सक्सेस सेलिब्रेट करने कहाँ जाए, क्या करें, बिकॉज आई एम ऑलरेडी श्योर कि दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. बट अगर लाइफ का मिशन है तो मतलब छोटी मुँह बड़ी बात, बट आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन अ प्लेस वेयर लोग, पता है एक स्टार होता है और एक एक्टर होता है, मैं चाहती हूँ लोग मुझे एक आर्टिस्ट की तरह याद रखें, लोग ये कहें कि एक अच्छी एक्टर है, बिकॉज सुंदर तो हर कोई है इंडस्ट्री में, बट आई वॉन्ट पीपल टू लुक एट मी एज अ गुड एक्टर, मेरी परफॉर्मेंस. सो दैट इज़ माई मिशन इन लाइफ. मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग रोल्स करती रहूँ, अपने आप को चैलेंज करती रहूँ और ग्रो करती रहूँ और बस लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से एंटरटेन करती रहूँ, उन्हें फील कराती रहूँ. सृष्टि एक टाइम यह सगा जो सिर्फ लुक्स ज़्यादा मैटर करते, सबनों लगता से अगर तुम प्रिटी हो तो यू आर एक्ट्रेस, लेकिन एक हूँ एको टाइम है कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम एक्टर होने चाहिए हो, है ना. बहुत व्डा चेंज जो है इंडस्ट्री के आ गया, तुम एक आर्टिस्ट के रूप के जाने जाना चाहते हो. सो थानू लगता है कि ये एक ऑरा क्रिएट करना अपने आप के चैलेंजिंग होंगे? आई थिंक बहुत होता है, बट अगर आपको सही रोल्स मिल जाए, सी अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती है, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और चाहे वो अपॉर्चुनिटी छोटी हो बड़ी हो, अगर आपने अपने तरफ से बेस्ट किया, इफ यू पुट योर 100-200% इन दैट कैरेक्टर, तो आई थिंक ऑडियंस के साथ वो कॉर्ड हिट हो जाता है. लाइक टीवी में कई बार होता है इफ़ यू आर सिक या फिर आपका उस दिन मूड नहीं है, बिकॉज यू शूटिंग एवरी डे 12-12 घंटे, तो समटाइम्स जब अगर कोई एक सीन दो सीन ऐसे निकल गए जो हमने ऐसे ही कर दिए बिकॉज थके हुए, तो वो पता चलता है क्योंकि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं करता. यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड एंड बी देयर. और ये आपने बहुत खूबसूरत चीज़ कही कि अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज ऑनेस्टली पता नहीं अब क्या मेरे फोटोज़ और सब हैं ही बाहर. व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई वाज प्लम्प, और मैंने बहुत कुछ सुना है लोगों से, मतलब मैंने ये भी सुना है मैं मायके चली जाऊँगी के लिए, जो मैं कास्ट मुझे पहले अप्रोच किया था, तो मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ से किसी असिस्टेंट कास्टिंग के बंदे का फ़ोन आया एंड ही सेड कि यार ये तो सुंदर सी बात करती थी, किसी मोटी सी हो गई है. एंड आई वाज लाइक सुंदर तो मैं अभी भी हूँ, और जस्ट बिकॉज कोई मोटा हो गया इसका ये मतलब आपकी नज़र में नहीं होगा, और एक्टिंग का क्या, लुक्स ही सब कुछ है, मेरी परफॉर्मेंस का क्या, उसके बारे में तो किसी ने बात नहीं की. एंड अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू से द स्टोरी, क्योंकि कुछ महीने बाद मुझे प्रोड्यूसर से फ़ोन आया, क्योंकि मैं तीन बार जब उस प्रोडक्शन का फ़ोन आया था मैं मना कर चुकी थी, मैंने कहा मुझे ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना जिनको टैलेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. और जब उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे, उनको ये पता चला, आई गॉट टू नो कि 3 महीने तक वो ढूंढते रहे किसी को अपने उस कैरेक्टर के लिए, एंड दे कुडंट फाइंड एनीबडी. और उसने मेरा ऑडिशन सीधा रिजेक्ट पाइल में डाल दिया था, किसी ने देखा भी नहीं. और जब वो रिजेक्ट में जाके उन्होंने वो देखा, लाइक This is the one. Channel producer, they were like, she's the one. And that's exactly what I meant. क्योंकि मैंने अपने 4-5 shows जो starting के किए before COVID, I was plump only. I was not the ideal thin, fit, whatever. वो तो COVID के बाद आए, you know, और बहुत सारी health issues. वही मैं कहती हूँ आपको, नहीं पता किसी के health issues हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, हम judge इतनी easily कर लेते हैं. तो मुझे बहुत, it makes me so happy कि अब talent is what matters, because that is what should matter. सो सृष्टि ये मनते हैं कि तुम अपने काम के नाल जेडे लोग थानू अंडर एस्टीमेट करते हैं उन्होंने जवाब दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, यस, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कीप डूइंग. और क्यों नहीं, मतलब अगर आपको सी मैं बहुत ऐसे वो नहीं साउंड करना चाहती कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, लेकिन आपको अपना एक हुनर पता होता है और आपको पता है आप कितने ऑनेस्ट हो उसकी तरफ, कि आप उसमें रोज़ मेहनत करते हो, आप दिन रात यही सोचते हो. और जब इतना काम कर ही लिया है, इन्होंने भी मुझे बॉम्बे से ढूंढ कर यहाँ लाए, तो कुछ तो बात होगी ना. बस बेस्ट बेस्ट विशेस, और मैं उम्मीद कर दिया कि तुसी पंजाबी सिनेमा छोड़ बहुत सारा काम करोगे. वेलकम टू पंजाब अगेन, एंड जूनियर वाकया ही बहुत अच्छी फिल्म है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
थैंक यू। सो इस सन साडे नाल सृष्टि जैन जो कि जूनियर फिल्म दे विच बहुत खास किरदार निभा रहे ने और उन्हां दा जिहड़ा अपनी एक्टिंग नू लैके पैशनेट होना है शायद इस दी वजह दे करके वो एक अजिहा चेहरा ने कि कोई ना कोई उन्हां नू जरूर लभ लैंदा है। उम्मीद है कि जूनियर फिल्म दे विच उन्हां ने जो किरदार निभाया सानू सब नू बहुत पसंद आएगा।